नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ नलिनी। आज मेरा ये वीलॉग बहुत स्पेशल है, मेरे छोटे से नए घर का गृह प्रवेश किया। और यकीन मानिए, जो मैंने विधियाँ इस गृह प्रवेश में देखी वो मैंने कभी कहीं नहीं देखी थी, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बनाया। इसकी तैयारी तो एक दिन पहले ही शुरू हो गई थी, पंडित जी नए घर में जाकर के पूजा पाठ की कुछ विधियाँ शुरू कर दिए थे ताकि अगले दिन हम लोगों को बहुत समय नहीं लगे। नेक्स्ट डे सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई, और ये है ना पैर रंगने का रंग, तो मुझे इसे नहा धो के सबसे पहले अपने पैरों में लगाना था। हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है ना, तो सबसे पहले पैरों को ही रंगा जाता है, और पैरों को रंगने से पहले माता रानी को रंग लगाया जाता है। तो जैसा मैंने सुना था, जैसे मेरी सासू माँ ने बताया था, मैं वैसे ही करती जा रही थी। देवी माँ को रंग लगाने के बाद मैं अपने पैरों पे लगाई। अच्छा, लोग इसको उंगलियों से लगाते हैं, लेकिन मैं उंगलियों से नहीं लगाती क्योंकि ये रंग जल्दी छूटता ही नहीं है, और मैं हमेशा नहीं लगाती, मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन पूजा पाठ में तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। अच्छा, हम तीनों तैयार हो गए हैं सुबह सुबह, और देखिए ये कैसे लग रहे हैं। ये इनका आउटफिट है जो कि मेरी मायके से आया है। अब कोई कार्य परियोजन घर पे होता है ना, तो मायके की याद किसको नहीं आती है। मेरी मम्मा ने ये पहले ही भिजवा दिया था आदि के लिए, धीरज के लिए और मेरे लिए भी। आदि का भी जो ये आउटफिट है ना, कुर्ता और धोती, बहुत ही सुंदर और कंफर्टेबल है। हमारे पंडित जी ने कहा था आपको घर से दिया ले आना है, साथ में लड्डू गोपाल और तुलसी का पेड़ भी। दिया को किसी तरीके से मैं संभालते संभालते ले ही आई, लड्डू गोपाल और तुलसी जी भी आ गए। और जब हम नए घर में आए तो पंडित जी ने इतना सुंदर कलश रखा था, और नीचे आप रंगोली देख ही रहे होंगे, आम के पत्तों से सजा ये कलश, बगल में ये तुलसी जी, और वेद मंत्र जो बोले जा रहे थे ना पंडित जी, समझ जाइए मेरे तो घूस बम्स हो रहे थे, और खुशी के मारा मेरे बार बार आँखों में आंसू आ रहे थे। सिद्धार्थं पूजतो यासुराः सुरेश सर्वविघ्नहर तस्मै गाधिपतये नमः। प्रसीद मातर जगदोखिलस्या प्रसीद विश्वेश्वर बाहिविश्वं त्वरेश्वरी देवि चराचरस्या कृतिनो श्री गणेशम्बिका वरुणदेवता पूजन प्रियन्ताम। तो सबसे पहले डेहरी की पूजा होती है, यानी कि दरवाजे के बाहर की। उसके बाद ये हल्दी वाला जो लेप है ना, अपने हाथ का छापा मुझे यहाँ गेट के ऊपर देना था। मुझे तो लगा नया नया है ये, कैसा लगेगा, लेकिन पता है जब मैंने ऐसे किया ना, आपको ना उसकी अनुभूति बता नहीं सकती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी सासू माँ ने ऐसे करवाया था, और यकीन जानिए इसको लगाने के बाद ना मेरे घर की साज सज्जा और बढ़ गई, मुझे तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। 8 बजे के हम लोग आए हुए थे, और पूरे 10 बजे तक सिर्फ इसी डेहरी की ही पूजा उन्होंने करवाई वेद मंत्रों के द्वारा। ये पंडित जी सच में कानपुर में बहुत जाने माने हैं, और बड़े ही बजट फ्रेंडली भी हैं। तो इन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया, फिर इन्होंने कहा एक कन्या का हमें आशीर्वाद लेना है। और ये जो मैंने चुन्नी ओढ़ी हुई है ना, ये मेरी शादी की चुन्नी है, इसको हमें बचा करके रखना होता है उम्र भर, अगर बच जाए तो, क्योंकि जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो हमारे हाँ वही वाली चुन्नी पहनी जाती है जो हम शादी में पहनते हैं। अब यहाँ पंडित जी हम लोगों को बता रहे हैं कि सुखी संसार के लिए हम लोगों को क्या क्या करना होगा, और ऐसी ऐसी बातें सुन करके ना मुझे तो हंसी ही आ रही थी, लेकिन जो कह रहे थे सही कह रहे थे। ये तो ज़िंदगी की गाड़ी है, दोनों पहिए जब मिलजुल के चलेंगे तभी अच्छे से आगे चल सकते हैं, हम दोनों खुश रह सकते हैं।
फिर पंडित जी ने कहा एक जन तुलसी जी को उठाओ और एक जन लड्डू गोपाल जी और दिए को लेकर के चलो। बाप रे, ऐसे बंधे बंधे हम लोग चल रहे थे, मुझे डर भी लग रहा था कहीं मैं गिर भी ना जाऊं, क्योंकि अब मुझे दुल्हन जैसे बनने की तो आदत रही नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो रहा था इस आउटफिट में। मुझे ना साड़ी पहनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं इस आउटफिट में कंफर्टेबल रहूँ, इसलिए मैंने ऐसी साड़ी पहनी थी जो कि काफ़ी हल्की थी और इसका कलर भी पूजा पाठ तीज त्योहारों में पहनने लायक था। मतलब हमारे यूपी में बोलते हैं ना, थोड़ा लाल पीला हरा नीला हो तब जाके मज़ा आता है पूजा पाठ त्योहारों में। उसके बाद पंडित जी ने ना तुलसी जी और कान्हा जी को हर एक कमरे में ले जाने को कहा। और आप ये देख रहे हैं ना, जो छोटे छोटे टेबल पे बने हुए ग्रह हैं, देवी देवता हैं, ये इन्होंने एक दिन पहले ही बना लिया था। कुछ तैयारियां इन्होंने करके रखी थी ताकि अगले दिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ग्रह प्रवेश में ना बड़ा टाइम लगता है, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन हम लोग ने इस तरीके से मैनेज किया था कि हम लोग ने सुबह के 8-9 बजे से शुरू किया और 1 बजे तक हमारी ग्रह प्रवेश की पूजा जो है समाप्त हो गई थी। उसके बाद हवन और कीर्तन हुआ। ये हमारा छोटा सा नया मंदिर है जो कि देखने में बड़ा ही सुंदर है, और ये चीज़ें तो मैंने कभी नहीं देखी थी, जो ये पाटा यानी कि ये जो छोटे छोटे टेबल हैं ना, इनके ऊपर बने हैं देवी देवता माता दुर्गा ग्रह और माता लक्ष्मी विष्णु जी के साथ बने हुए हैं। मुझे लगा था कि मैं इतनी देर कैसे बैठ पाऊंगी, मैं कैसे करूंगी, लेकिन यकीन मानिए जिस प्रकार से पंडित जी भजन कीर्तन वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे ना, ये पूजा कब शुरू हुई और कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। अब आप इन मंत्रों को सुनिए। रामचरित मानस अंतर्गते पंचम सोपान श्री सुंदरकांड सहितेन पूजन हवनम कर्म अहम कारिष्ये। ओम जय जागृतो धूरमुदयति प्रणमामि सदा शिवलिंगम तक प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणशेवितलिंगम भावेन भक्तिभिरेव चालिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल फिर हनुमान चालीसा भी हुआ और फिर उसके बाद हुई मेरे किचन की पूजा। तो किचन में यहाँ गैस की पूजा कराई जाती है। अभी फिलहाल गैस मेरे स्टूडियो में रखा है, मैंने अपने नए घर में नया स्टूडियो भी बनाया है, तो पंडित जी उसी गैस की पूजा करा रहे हैं और इसके बाद इसी गैस पे मुझे मीठा बनाना है और उन्होंने कहा कि आप खीर बनाओ। अच्छा, मेरी मदद के लिए मेरी देवरानी जी आ गई थी, तो वो बराबर मेरी मदद कर रही थी जो मेरे बगल में है। ओम प्राणाय, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम ब्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। आचमन आचमन कर दीजिए। तो मुझे बहुत सारा और काम करना था, मैंने तो भगोने में सिर्फ दूध डाल दिया, उसके बाद का सारा काम मेरी देवरानी जी ने ही किया और हमने तकरीबन 4-5 किलो खीर बनाया था, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं तो सबको खीर बना के खिलाना तो बनता है। फिर मैं आशीर्वाद लेने अपने सास ससुर और अपनी माँ के पास गई। ससुर जी के बगल में सासू माँ और उसके बगल में मेरी माँ बैठी हैं। घर भी सुंदर, घरवाली भी सुंदर और घरवाली के दोस्त भी सुंदर, दीदी भी सुंदर, दीदी के दोस्त भी सुंदर, सभी सुंदर, सभी सुंदर है, बहू भी सुंदर, सास भी सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। एक बार और इधर घुमाइए, हम लोग एक साथ मिलके विश करें। मेरी दीदी को ढेर ढेर सारी बधाइयां।
तो भाई सब लोगों ने बताया कि घर मेरा कैसा है, और घर सुंदर तो तभी होता है जब वहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं। जब हमें सभी बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, दोस्तों का प्यार मिलता है, तभी वो घर घर कहलाता है ना। इसके बाद पंडित जी ने हवन करवाया। हवन हम दोनों ने किया स्टार्टिंग में, और बाद में जितने मेंबर्स हमारे यहाँ आए थे ना, उन सभी ने लास्ट में हवन में आहुति दी। हवन के बाद मैंने खाने का प्रोग्राम किया था जिसमें लहसुन प्याज नहीं था। सब लोग उसके बाद खाने गए, और उसके बाद 3 बजे से मैंने सुंदरकांड भी बोला था। सुंदरकांड के बाद थोड़ा भजन हुआ, कीर्तन हुआ, और उसी में थोड़ा सा हमने नाच गाना किया, क्योंकि मेरा इवेंट हो और बिना डांस के संपन्न हो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी के साथ हर्षोल्लास से हमने गृह प्रवेश किया, और मैं भगवान से मांगती हूँ जो भी नलिनीज़ किचन के व्यूवर्स हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, जैसे कि मैं आज खुश हूँ, आप सभी लोग भी ऐसे ही अपने अचीवमेंट्स पाते रहें। नमस्कार।